दोस्तों, क्या आपको लगता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम में हर बच्चे को पढ़ाई के लिए साइंस और साइंस में भी इंजीनियर और डॉक्टर बनना ज़रूरी है? क्या आपको लगता है कि हमारे बच्चे जो स्कूल में जाते हैं उनको स्कूल के साथ साथ कुछ एडिशनल ट्यूशंस की भी ज़रूरत होती है? क्या आपको और मुझे लगता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो सबसे अव्वल नंबर आने चाहिए? क्या आपको लगता है कि हम सब के बच्चे जो हैं वो एक ओवरऑल पर्सनालिटी बन के तैयार हों जिसमें उनको सब कुछ आता हो, जैक ऑफ ऑल नहीं मास्टर ऑफ ऑल हो? हाय फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं मधुस जो दिल कहे, और मधुस जो दिल कहे पर मैं ऐसी बातें करती रहती हूँ, लेकिन आज बात जो करूँगी वो मैं नहीं करूँगी। आज बात एक हमारा छोटा सा स्टूडेंट करेगा जिसने अभी अभी 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स दिए हैं और अच्छे रिजल्ट से पास हुआ है। मुद्दा ये नहीं है कि रिजल्ट्स अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं या एक्सट्रीमली अच्छे हैं। मुद्दा ये है कि उस बच्चे की एजुकेशन जर्नी क्या है और क्या वो जर्नी इससे बेहतर होनी चाहिए या इससे कम होनी चाहिए या यही होनी चाहिए, या उस बच्चे जैसी ही जर्नी हर एक की होनी चाहिए। तो चलो, आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ महाकाल की नगरी उज्जैन में, और उज्जैन के इस मध्यम वर्गीय परिवार से मैं आपको मिलाती हूँ और उस स्टूडेंट से मिलाती हूँ जो अपनी ज़बानी मेरे कुछ कुबलते हुए अंदर उबलते हुए जो मेरे क्वेश्चंस हैं उनके जवाब देगा। चलें। वरुण, मैं अपने व्यूअर्स को बता रही थी कि आपसे आज मैंने बहुत सारी बातें करनी है, तो हमें बताओ अपने बारे में, आपकी एजुकेशन जर्नी के बारे में बताओ, कैसी रही है आपकी लाइफ अभी तक और उसमें क्या ऐसी ख़ास बात है? मेरा बचपन से लेकर अभी तक का सफ़र और उसमें ख़ास बात, मुझ में तो कोई ऐसा सच मुझे नहीं लगती, लेकिन ये ज़रूर है कि मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव रहे हैं बचपन से ही। उनकी अपब्रिंगिंग और मॉरल वैल्यूज़ काफ़ी अच्छी रही है, हर कदम पे, हर पॉइंट पे उन्होंने सपोर्ट किया है। साथ ही साथ मेरे टीचर्स और फ्रेंड्स दोनों का काफ़ी अच्छा रोल रहा है। मेरे को जो माहौल मिला है वो बहुत सपोर्टिव, बहुत फ्रेंडली एंड काफ़ी हेल्पफुल था है मेरे लिए थ्रू आउट। ओवरऑल जो मेरी एजुकेशनल जर्नी थी, मैं क्लास 10th तक तक्षशिला में था एंड देन अक्षत, दोनों ही उज्जैन के स्कूल्स हैं, एंड दोनों ही स्कूल्स का जो माहौल था, जो टीचर्स थे स्पेशली, वो काफ़ी सपोर्टिव थे मेरे लिए एंड ओवरऑल दिस हेल्प मी अलॉट। वाओ, दैट्स अमेजिंग। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपके CBSE बोर्ड में 92% मार्क्स आए हैं, स्टूडेंट्स को 95, 98, even 100% स्कोर करते देखा गया है, क्या आप भी कभी इस रेस का हिस्सा रहे हैं जहां आपको फर्स्ट आने की होड़ हो या टॉप करने की होड़ हो या सबसे अच्छे मार्क्स लेने की होड़ हो? नहीं, फर्स्ट आने के बारे में मेरा एज सच कभी भी रुझान नहीं रहा, कंपटीशन मुझे उतना पसंद नहीं था। इनफैक्ट फन फैक्ट ये है कि हमारे जो बैच है उसमें जो हम तीनों रैंकर्स आते हैं, हम तीनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स एंड इट इज़ ऑलवेज लाइक अ हेल्दी कंपटीशन। हम लोग साथ में बढ़िया टाइम स्पेंड करते हैं, दे आर माई बेस्ट फ्रेंड्स बाई चांस। तो फर्स्ट आने का तो एज सच कभी भी ऐसा नहीं रहता है कि आई वॉन्ट टू बी द फर्स्ट, आई जस्ट वॉन्ट टू गिव माई बेस्ट एफर्ट्स। That's really amazing. अच्छा, मुझे और बताओ, ये बताओ कि पढ़ाई के अलावा, स्टडीज़ के अलावा आपके और क्या क्या इंटरेस्ट हैं, किन चीज़ों को आप एंजॉय करते हो अलॉन्ग विद योर स्टडीज़? मेरे इंटरेस्ट की बात की जाए तो जहाँ तक बात लाइफ गोल्स की है, पैशन की है, वो एस्ट्रोफिजिक्स है। मतलब इट्स लाइक आई एब्सोल्युटली लव इट, और पूरी तरह से मेरी लाइफ में कहना चाहूँगा कि आई वॉन्ट टू बिल्ड अ करियर इन एस्ट्रोफिजिक्स, और काम काम नहीं लगना चाहिए। अदर देन दैट, हॉबीज़ जो हैं उसमें मेरे को म्यूज़िक काफ़ी पसंद है, मैं सुनता भी हूँ, मैं बजाता भी हूँ और मैं कोडिंग भी करता हूँ। स्पोर्ट्स में भी मेरा ठीक ठाक रुचि रहती है, मैं वॉलीबॉल और बैडमिंटन काफ़ी लाइक करता हूँ। इच्छा तो मेरी भी है भाई, तारों के बारे में बहुत कुछ मैं भी जानना चाहती हूँ। चलो, तुम जल्दी से साइंटिस्ट बनो, रिसर्चर बनो और हमको बताओ इस सब के बारे में। चलो, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पर फिर से कुल बुला रहा है,
आजकल एक ट्रेंड है, हर एक पर्टिकुलरली बोर्ड्स के एग्ज़ाम जब देने जाता है तो ट्यूशन ज़रूर लेता है। क्या आपको कभी ट्यूशन्स की ज़रूरत महसूस नहीं हुई? Well, इस तरह से तो कभी नहीं लगा, क्योंकि हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू एंड आई रिस्पेक्ट दैट, बट एसेंशियली बात यह है कि मेरा मानना यह है, अगर ऑलरेडी स्कूल्स की इतनी फीस दी जा रही है, वो हमारे लिए इतने एफर्ट्स कर रहे हैं, हम इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो उसके बाद और 2-3 घंटे कहीं और स्पेंड करना, खुद को एग्जॉस्ट करना, उससे काफ़ी बेहतर है कि जितने भी तरह के डाउट्स हैं वो उसके लिए टीचर्स को ही अप्रोच किया जाए एंड जितना हो सके उन्हीं से ही लिया जाए कंटेंट नॉलेज। तो ट्यूशन्स आपने नहीं लिया आप कह रहे हो, तो ऐसे कौन से सीक्रेट गुरु थे आपके, आपके स्कूल के टीचर्स थे, आपके पेरेंट्स थे, या कोई ऐसे गुरु जिनके बारे में हमें नहीं पता जो आपको गाइड करते हों, या आप कहोगे कि मुझे गाइडेंस की ज़रूरत ही नहीं थी? बिल्कुल, ऐसी ज़रूरत कई बार पड़ी थी जब मतलब मुझे कहीं ना कहीं स्टडीज़ में डाउट्स आए हों, कोई टॉपिक्स कंसेप्ट्स नहीं समझ आ रहे हों, तो मैंने अपने पेरेंट्स की तरफ देखा, टीचर्स की तरफ देखा। कुछ केसेस में ऐसा भी हुआ था जब कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं था, तो मैंने इंटरनेट की हेल्प ली। मतलब आज की तारीख में इतना बड़ा रिसोर्स है, तो कहीं ना कहीं से कंटेंट मिल ही जाता है, डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, एंड ओवरऑल इवन कोर्स के बाहर भी काफ़ी चीज़ें देखने के लिए इंटरनेट हेल्प्स अ लॉट। What about chilling out, Varun? कहते हैं ना आजकल के teenagers particularly group में जाएंगे, chill out करेंगे, तो कभी आपको ऐसा लगता है कि भाई क्योंकि मुझको perform करना है या मेरे को studies पे अपना ध्यान देना है तो chilling is not an option for me, मैं party कर नहीं करूँगा, मैं friends के साथ नहीं जाऊँगा, ऐसा लगता है आपको कि ये chilling out जो है ये studies को affect करता है? Socialize जब आप करते हैं, कुछ लोगों से मिलते हैं, तो वो आपके एज अ ओवरऑल ह्यूमन बीइंग आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी बेटर बनाता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर बनाता है एंड बाकी डेली रूटीन से काम से आपको एक मच नीडेड ब्रेक देता है। इनफैक्ट अब जब मेरी 12th क्लास ख़त्म हो चुकी है, हम फ्रेंड्स नहीं मिल पाते, तो आई रियली मिस दैट। हम लोग हर एग्ज़ाम्स के बाद और बीच में ऐसे छोटे बड़े मौक़ों पे साथ में मिलने जाते थे, एंजॉय करते थे, टाइम स्पेंड करते थे, मतलब जिसे कहते हैं वी यूज़ टू चिल आउट एंड अच्छा माहौल रहता था। इट हेल्प्स टू रिफ्रेश, वो काफ़ी हेल्प करता है ताकि हम अपने अकेडमिक्स से और बाकी चीज़ों से बाहर निकल के थोड़ा एंजॉय करें साथ में। अच्छा, अपने स्कूल के बारे में बताओ, आप जिस स्कूल में पढ़ाई करते हो या मतलब बोलूँगी कि पढ़ रहे थे, अब तो आपने 12th कंप्लीट कर लिया है, तो वहाँ पर आपके स्टूडेंट टीचर रेशियो क्या था, मतलब एक टीचर के अगेंस्ट एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे? रफली स्टूडेंट टीचर रेशियो 30 के अराउंड रहता है, हमारे बैच में 32 थे एंड थोड़े आगे पीछे रहते हैं। और क्या टीचर्स जो हैं वो पार्शियलिटी करते हैं, मतलब कि जो अच्छे ब्राइट स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा ध्यान दें और जो बच्चे मीडियोकर से हैं या नहीं पढ़ाई में अच्छे उन लोगों की तरफ ध्यान ना दें, क्या ऐसा होता है आपके स्कूल में? ट्रीटमेंट तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह से किसी को भी मिलता है, इक्वली ट्रीट करते हैं, मतलब दैट अगेन डिपेंड्स ऑन द टीचर एंड उनका कैसा अप्रोच रहता है, पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, पर ओवरऑल देखा जाए तो सारे बच्चों को इक्वली ट्रीट किया जाता है। एक बार फिर घूमकर मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ऊपर आ रही हूँ। वरुण, तुमने भी देखा होगा धीरे धीरे करके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का ट्रेंड जो है बढ़ता जा रहा है, हर बच्चा पर्टिकुलरली 10th और 12th में आते ही कोचिंग लेता है, और न सिर्फ कोचिंग लेता है 12th में आके, तो कोचिंग के साथ साथ अपनी जो वो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी है वो भी शुरू कर देता है, तो क्या ये ट्रेंड आपको लगता है कि ठीक है? एंड पर्टिकुलरली मैंने ये भी देखा है कि बहुत जगह पर न सिर्फ स्पेशल कुछ लोग जो हैं वो अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, बट स्कूल के टीचर्स ही जिस स्कूल में पढ़ाते हैं उन्हीं स्टूडेंट्स के कान में बोल के चले जाते हैं कि एक्स्ट्रा कोचिंग लेनी हो तो मेरे पास शाम को आ जाना। क्या ये ट्रेंड से आप सहमत हो? हाँ, ये कल्चर में है, ट्रेंड में है। इनफैक्ट मेरे दूसरे स्कूल्स के कुछ जो फ्रेंड्स हैं वो बताते हैं कि होता भी है। लकीली इनफ हमारे स्कूल के एज सच कोई टीचर्स नहीं हैं, खास करके हमारे साइंस बैच के, जो इस तरह से बाहर कहीं कोचिंग्स में जाते हैं वो डेडिकेटेडली स्कूल में ही अपना टाइम स्पेंड करते हैं एंड हमको पूरा अटेंशन देते हैं। इससे पहले क्लास 10th तक तक्षशिला में, वहाँ भी सेम सीन था, दे वर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम डूइंग एनीथिंग सच। लेकिन क्या आपको लगता है कि सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ये एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस लिए बगैर अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं?
ये अगेन एक पॉइंट ऑफ व्यू डिपेंडेंट बात है, पर मेरे ओपिनियन में हाँ बिल्कुल, मतलब मैं बिल्कुल नहीं मानता कि मैंने कोई बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है या फिर कोई बड़ा काम किया है, पर हाँ ये जरूर है कि चाहे किसी भी लेवल को आपको अचीव करना हो, आप अगर डेडिकेटेड हैं और जो रिसोर्सेज आपके पास हैं उनका अच्छे से यूज करते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। शेयर योर टाइम टेबल विद अस। कैसे आपने अपने टाइम को मैनेज किया? कितना टाइम पढ़ाई करना है, कितना टाइम सोना है, कितना टाइम चिल आउट करना है, या कितना टाइम अपनी और एक्टिविटीज़ में लगाना है? आपने कैसे अपने दिन को बैलेंस किया? मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने ऐसे सच कोई टाइम टेबल बनाया नहीं था। हाँ थोड़ा बहुत रूटीन फिक्स रहता था, मतलब रात को 11 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे तक वेकेशंस में एंड स्कूल डेज में ऑब्वियसली 6 बजे तक रहता था स्लीप शेड्यूल। और उसके बाद स्कूल डेज की बात की जाए तो स्कूल से आके बस अपना रेगुलर जो वर्क है वो निपटाना, एंड जिसके जिस अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी हो, जिस हिसाब से मूड हो, मैं ज़्यादा मूड डिपेंडेंट चलता था। मैंने कभी कोई टाइम टेबल नहीं बनाया कि हाँ आधा आधा घंटा इस सब्जेक्ट को देना ही है, बहुत वेरिएबल चलता था। कभी अगर इच्छा हुई कि फिजिक्स पढ़ना है तो 1.5-2 घंटा वो पढ़ लिया, कभी इच्छा हुई कि 5 मिनट पढ़ना है तो मैं भी कुछ लैंग्वेज जैसे सब्जेक्ट उठा लिया, बट एज सच कोई टाइम टेबल नहीं था। इट वॉज मोर अबाउट कि हाँ अभी क्या इच्छा है एंड किस सब्जेक्ट को पढ़ने में मैं सबसे अच्छा ग्रास्प कर पाऊंगा इस समय। पढ़ाई करने में रट्टे वाली स्ट्रैटेजी काम आती है या प्रॉपरली समझकर अपने वर्ड्स में लिखने की स्ट्रैटेजी काम आती है? आप क्या कहते हो? अब यूजुअली बोला जाए तो कॉमन परसेप्शन से बिल्कुल मतलब रट्टे वाली स्ट्रेटेजी काम नहीं आती, एंड मैं पर्सनली तो कभी भी उस टाइप का बच्चा नहीं था जो 4 आंसर्स ले लिए एंड रट लिए जाए। मैं पिछले कई सालों से यही स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ कि बस हाँ अपनी बुक ले ली, टीचर से जो समझा है उसके अकॉर्डिंग खुद के नोट्स बनाए एंड एक एक कंसेप्ट को समझ के बस अपने वर्ड्स में अपने हिसाब से उसको डिस्क्राइब करा ताकि वो समझाने में ईजी हो। वर्ड टू वर्ड याद तो मुझे आज तक कोई चीज़ नहीं हुई। फ्यूचर की क्या प्लानिंग है वरुण? हाउ डू यू वॉन्ट टू गो अबाउट इट? स्टेप बाय स्टेप बताओ। फ्यूचर प्लान्स जो मेरे हैं वो ये है कि एस्ट्रोफिजिक्स रिसर्च जैसे मैंने बताया मुझे वो करना है। एज अ रिजल्ट मैं पहले अभी BSc करूंगा एंड देन अ PhD, और उसके बाद मेरा एम बस यही है कि एक अच्छे से रिसर्च इंस्टीट्यूट में आई वॉन्ट टू स्पेंड माई लाइफ रिसर्चिंग अबाउट एस्ट्रोफिजिक्स। मतलब द यूनिवर्स फैसिनेट्स मी, ऐसा लगता है कि ये जितने भी स्टार्स, ब्लैक होल्स, प्लैनेट्स, इस सब के ऊपर रिसर्च मुझे काफी पसंद है, एंड एज अ रिजल्ट मैं वहीं से उसी में ही करियर परस्यू करूंगा। वाह वरुण, वेरी गुड एंड ऑल द बेस्ट फॉर दैट। अच्छा अभी बंद नहीं हुआ, अभी आपके मम्मी पापा को ज़रा स्क्रीन पर लेके आते हैं, उनसे भी कुछ बातें करके देखते हैं। तो ज़रा उनको बोलो ना स्क्रीन पे आने के लिए। हाय विशाल एंड गीतिका, वेलकम ऑन द स्क्रीन एंड हार्टियस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द प्राउड पेरेंट्स ऑल्सो अलॉन्ग विद वरुण। तो क्वेश्चन ये है तुम लोगों से एज पेरेंट्स कि वरुण की इस परफॉर्मेंस में या उसकी पूरी एजुकेशनल या पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आप लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन है एज पेरेंट्स? और क्या आप लोग भी इस होड़ में रहे हो कि मेरा बच्चा जो है वो क्लास में फर्स्ट आना चाहिए या बोर्ड्स में उसको बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, परसेंटेज की दौड़ या व्हाटएवर? तो पहला यू सवाल टेल है कंट्रीब्यूशन का, तो जहाँ तक मेरा सवाल है मेरा कंट्रीब्यूशन तो बहुत कम रहा है। इनकी मदर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहा है इनके स्टडीज़ के लिए, बचपन से पढ़ाती रही हैं जब तक बेसिकली वो हायर स्टडीज़ की बात नहीं आई तब तक उन्होंने सपोर्ट किया है स्टडीज़ में। एंड जहाँ तक एक्सपेक्टेशन का सवाल है, एक्सपेक्टेशन कुछ भी नहीं रखी गई है और ये क्लियरली कम्युनिकेट किया गया है वरुण को या इनके ब्रदर को कि एक्सपेक्टेशन हमारी कुछ भी नहीं है, आप अपनी तरफ से बेस्ट जो दे सकते हो वो दो, मेहनत करो एंड डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट्स, यू गिव योर बेस्ट। एंड व्हाट अबाउट अदर थिंग्स?
आजकल हर पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा एजुकेशन में अपनी पढ़ाई में तो अव्वल रहे ही और उसके अलावा बाकी भी सब चीज़ों में अव्वल रहे। खूब सारा कुछ उसको आना चाहिए, स्विमिंग भी आनी चाहिए, डांसिंग भी आनी चाहिए, ये भी आना चाहिए, वो भी आना चाहिए। आपने भी क्या कभी अपने बच्चे से ये एक्सपेक्टेशंस रखी हैं? चाहा कि भाई ये इसी एक्टिविटी में जाए या उसी एक्टिविटी में जाए, जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है वो करे। जैसे उसको चेस पसंद है, वॉलीबॉल पसंद है, तो वो उसमें आगे बढ़े। जो चीज़ उसे अच्छी लगती है, स्टडीज़ में भी जिस डायरेक्शन में वो जाना चाहता है, हमारा सपोर्ट हमेशा उसके साथ रहेगा। उसे जो दोनों के साथ जो उसे करना है वो करता रहे। वाह, दैट्स लाइक इट। चलो अब ज़रा छोटे बाबू को भी बुला लो, हमारा छोटा सामग्र कहाँ है, उससे भी कुछ बातें कर लें। हाय सामग्र, वैसे तो आप अभी बहुत छोटे हो, लेकिन फिर भी मेरा दिल किया कि आपसे पूछूं कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? आपके भैया की तरह आप भी क्या एस्ट्रोफिजिक्स लेना चाहोगे और आगे चल के एक साइंटिस्ट बनना चाहोगे, रिसर्चर बनना चाहोगे, या आपके ड्रीम्स कुछ और हैं? साइंस में नहीं, मैं जब से मैं 7 साल का था तब से मेरा स्क्रिप्ट राइटिंग में इंटरेस्ट है और मैं कई तरीके की स्टोरीज भी लिखता हूँ। तो फिर मेरा सपना यही है कि मैं आर्ट्स लूँ और एक अच्छे आर्ट के कॉलेज में जाके मैं एक अच्छा स्क्रिप्ट राइटर बनूँ। वाओ वाओ, क्या बात है, हमारा छोटा शहजादा जो है वो अपने भैया से बिल्कुल अलग स्ट्रीम पकड़ने वाला है। दैट्स सो गुड टू हियर। एंड विशाल एंड गीतिका, आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ बोथ ऑफ यू। आप लोगों ने अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी की है। And all the best to all of you. Keep supporting them as always. ये मुझे वैसे कहने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से डायलॉग मार रही हूँ। तो चलो, साइनिंग ऑफ हेयर, बाय। फिर मिलूंगी, कोई और कुलबुलाहट अगर आएगी मन में तो फिर से एक बार कनेक्ट करूँगी, फिर कभी। फ्रेंड्स, आपने सुना आज जो भी हमारी बात हुई इस स्पेशल फैमिली से, और मुद्दा सिर्फ ये था इस पर्टिकुलर टॉपिक को उठाने का कि एक बर्निंग टॉपिक है। इस चीज़ को हम आज की डेट में अवॉइड नहीं कर सकते कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है और उस एजुकेशन सिस्टम में हम अपने बच्चों को उस दौड़ में दौड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं या वो खुद उस दौड़ में दौड़ना चाहते हैं। सो, बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो सिर्फ शुरुआत की है। ऐसी बहुत सी बातें जो आपके मन में कुलबुला रही होंगी और मेरे मन में कुलबुला रही हैं, हम लोग कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। आप अपने व्यूज़ दीजिए, मैं अपने व्यूज़ दूंगी और आने वाले वीडियोस में बहुत सारी बातें करेंगे। बाय, टेक केयर। मधु जो दिन कहे पर मैं ऐसी बातें करती रहती हूँ।